Good morning, students and parents. Hope you all are well. Today, our topic is revision in English. That is from our book 9. Okay, students. Now, in next slide, here we can see my garden. It is in our book 9, page number 4. Here, students, we have to read the words begin with TH. Okay, here there are some words like thank. Thank means हमें किसी को हम आभार प्रकट करते हैं. सपोज कोई चीज हमें देते हैं, एट दैट टाइम वी से थैंक यू. ओके, सो हियर द स्पेलिंग इज THANK. थैंक. अदर वर्ड इज थिंक, THINK. थिंक. थिंक यानी सोचना. ओके, आफ्टर दैट थ्रेड, THREAD. थ्रेड. थ्रेड यानी धागा. ओके स्टूडेंट्स, देयर इज माय, दिस इज माय गार्डन. ये मेरा गार्डन है. There are many plants and trees in it. उसके अंदर बहुत सारे plants और trees हैं. These are some of the flowering plant. ये जो plants हैं वो कैसे हैं? Flowers देने वाले हैं. They make the garden look pretty and colorful. और वो मेरे garden को एकदम सुंदर बनाते हैं. Okay. I also have some fruit trees in my garden. मेरे गार्डन के अंदर कुछ फ्रूट्स देने वाले भी ट्री हैं. देयर आर 3 पपैया ट्रीज, उसमें 3 पपैये के ट्रीज हैं. दे हैव थिन स्टेम एंड ब्रांचेस. उसके अंदर क्या है? पतली सी स्टेम है और ब्रांचेस है. पतली सी है और वो ब्रांचेस भी जो है वो भी पतली है. ओके, देयर इज वन मैंगो ट्री. उसमें एक मैंगो ट्री है. It is very tall. और वो ये बहुत ही लंबा है. It has a thick trunk and a long branches. Okay, उसका जो trunk है, okay, वो कैसा है? बहुत ही मोटा है और उसकी जो branches है वो भी long है. Mummy and I water the garden every day. Mummy और मैं उस garden में हमेशा water डालते हैं. Every day water डालते हैं. Okay, students. Now, in next slide, here there is a picture comprehension 5, that is on page number 9. Here we have to observe the image and we have to say the sentence. There is a boat. The boat is at the seashore. There is a ship. The ship is sailing. There are clouds in the sky. Birds are flying in the sky. Okay, yahan pe ek boat hai. और बोट जो है वो कहाँ पे? किनारे के ऊपर है. ओके, यहाँ पे एक शिप भी है. ओके, और वो शिप क्या कर रहा है? वो पानी में तैर रहा है. ओके, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. स्काई के अंदर क्या है? क्लाउड्स है, बादल है. ओके, बर्ड्स जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू हैव टू से सेंटेंसेस ऑन दिस पिक्चर. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ टॉपिक, wheat on wheels, that is on page number 17. Okay, here we have to see the words that start with WH. Okay, well is the fish. Okay, wheat yani gehu. White is the color. Wheel yani ki pahiya. Okay students, here there are questions. WHO, who? WAS was Shambhu. SHAMBHU. Who was Shambhu? Shambhu was a farmer. Shambhu जो है वो कौन है? वो farmer है. What did Shambhu grow? Shambhu क्या grow कर रहे? Shambhu grew wheat. Shambhu जो है वो गेहूं उगा रहे हैं. Where did he grow the wheat? वो गेहूं कहाँ पे उगा रहे हैं? He grew the wheat in his field. वो गेहूं अपने खेत में उगा रहे हैं. When did he sow the seeds? वो उन्होंने जो बीज है वो कब बोए? He sow the seeds before it rained. बारिश होने से पहले उन्होंने बीज बोए. How did he took the wheat to the market? वो उन्होंने गेहूं मार्केट तक कैसे पहुंचाए? He took the wheat on the bullock cart with 2 white bullocks and 2 wheels. उन्होंने गेहूं को बुलॉक कार्ट के अंदर रख के, और वो बुलॉक कार्ट कैसा था?
जिसके अंदर 2 व्हाइट कलर के बुलॉक्स थे और 2 व्हील्स थे, ओके, और उसके ऊपर रखे ब्लॉक कार्ट के अंदर रखे गेहूं को मार्केट तक पहुंचाया। अदर वर्ड्स WHO, हियर देयर इज अ साउंड हु, दिस वर्ड बिगिंस विद WH बट हैज अ डिफरेंट साउंड, इसका साउंड क्या होता है, हु होता है, ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन 7, दैट इज ऑन पेज नंबर 19, हियर वी हैव टू ऑब्जर्व द इमेज, देयर इज अ बर्ड ऑन द नेस्ट, यहाँ पे एक बर्ड है जो नेस्ट के अंदर है, द नेस्ट इज ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, जो नेस्ट है वो कहाँ पे, जो पेड़ है उसकी डाली के ऊपर है, देयर आर 4 एग्स इन द नेस्ट, नेस्ट के अंदर क्या है, 4 अंडे है, ओके, द कलर ऑफ द नेस्ट इज ब्राउन, और नेस्ट का कलर कौन सा है, नेस्ट का कलर ब्राउन है, द कलर ऑफ द एग्स आर व्हाइट, एग्स का कलर कौन सा है, एग्स का कलर व्हाइट है, ओके, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, और स्काई कैसे कलर का है, स्काई जो है वो ब्लू कलर का है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, हियर देयर इज अ टॉपिक द रिस्ट वॉच, दैट इज ऑन पेज नंबर 28, हियर वी हैव टू सी द डब्ल्यू ऑफ वर्ड्स, ओके, हियर द फर्स्ट वर्ड इज रैप, रैप यानी कोई भी चीज को कवर करना, पेपर से, गिफ्ट कर, रैप से उसे हम कवर करते हैं गिफ्ट को, दैट इज कॉल्ड रैप, आफ्टर दैट राइट, राइट यानी लिखना, आफ्टर दैट रिस्ट, रिस्ट यहाँ पे हमारे हैंड का जो पार्ट पे एरो करके दिखाया, दैट इज कॉल्ड रिस्ट, ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ रिंकल, हमारे फोरहेड के ऊपर जो लाइंस बनती है, दैट इज कॉल्ड रिंकल, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ अर्थवर्म, वो जो उसका कर्व है, दैट इज कॉल्ड रिगल, ओके, उसके जो कर्व्स दिखाए, दैट इज कॉल्ड रिगल, ये एक अर्थवर्म है, ओके, इट्स अ वन इन काइंड ऑफ इंसेक्ट, ओके, आफ्टर दैट हियर देयर इज अ वर्ड रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत, ओके, डॉनी वांटेड टू रैप अ गिफ्ट फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड, डॉनी को क्या करना है, उसको एक अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट को रैप करना है, पार्थ it was a wrist watch, okay, वो क्या है, एक wrist watch है, okay, he asked mommy to wrap it with gift wrapping paper, उसने क्या किया, उसने अपनी मामा से gift wrapping paper मांगा, जिससे paper मांगा जिससे वो wrap कर सके gift को, he stuck a card on the gift, उसने कार्ड उसके ऊपर स्टिक किया, he began to write happy birthday, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, हैप्पी बर्थडे लिखना शुरू किया, but he wrote the wrong spelling, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत स्पेलिंग लिखा, so he stuck another card on the gift, so उन्होंने दूसरा कार्ड उसके ऊपर लगाया, this time he asked mommy for the correct spelling and wrote happy birthday Parth, okay, उस टाइम पे उसने मम्मी को सही स्पेलिंग पूछा और फिर उन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे पार्थ, ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यू हैव टू रीड दिस थिंग एंड रिवाइज, ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम।